नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार पूछे जा रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये अपना आपकी अपनी वेबसाइट है, आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ओपन करके आप वहाँ से भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके अपने भाई का फेसबुक पेज है, इस पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उन पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की टेस्ट यानी आज की वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, आज की जो टेस्ट है इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर की क्षमता होती है, नंबर एक है सीमित, बी नंबर है असीमित, सी नंबर है निम्न, डी नंबर है उच्च। तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने इसे टॉप लेवल पे रखा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सीमित। जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो सीमित होती है, असीमित भी नहीं हो सकती क्योंकि असीमित भी काम नहीं कर सकता कंप्यूटर, निम्न भी नहीं होता, उच्च भी नहीं हो सकता, इसलिए सीमित होती है, जितना हम इनपुट देंगे उतना वो वर्क करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जब मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ, जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और भी बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप डेली क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, मैं डेली क्लासेस अपलोड करता हूँ, आप वीडियो देख लेंगे तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पिछले बैच के स्टूडेंट यानी जब पिछले मंथ एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला भी था और बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प भी मिली है, बोल रहे थे कि सर जो आपने बताया था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आए भी थे और फाइनली उनका रिजल्ट भी आ चुका है, अच्छे मार्क्स से अच्छे ग्रेड से पास भी हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को भी मैं वही सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हों, तो इसलिए आप ध्यान से थोड़ा क्लासेस अटेंड करिए और अच्छे से पढ़िए, आपको पूरी तरह से सफलता मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो नंबर एक है माइक्रोवेव, बी नंबर माइक्रोचिप, सी नंबर सॉफ्टवेयर, डी नंबर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज क्रिएट करने वाला है, मैं पिछली वीडियो में बताते चला आ रहा हूँ आप लोगों से कि क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के एग्जाम में होते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज क्रिएट करने वाले हैं। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी कब जारी किया गया था। तो नंबर एक है, 2004, बी नंबर है 2005, सी नंबर है 2010 और डी नंबर है 1998। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि आप लोगों को राइट आंसर मालूम तो कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं। फिलहाल इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसमें राइट से राइट आंसर कोई नहीं, थोड़ा ये टाइप करने में दोस्तों मिस हो गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001। जो विंडो एक्सपी है वो 2001 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 2001 हो जाएगा। ये थोड़ा टाइप करने मिस हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिलहाल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में डिस्क ड्राइव सामान्य तरीके से डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है। जब आप कंप्यूटर से या अपने कोई ड्राइव से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर की जाती है, इस क्वेश्चन का मतलब यही। तो नंबर एक है माई कंप्यूटर, बी नंबर है रिसाइकल बिन, सी नंबर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी नंबर है फाइल मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिसाइकल बिन, ठीक है। रिसाइकल बिन क्यों हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, जब हम कोई फाइल फोल्डर अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, सिर्फ डिलीट, जैसे कोई सिलेक्ट किया और डिलीट की दबाया मैंने कीबोर्ड से, तो आपके रिसाइकल बिन में जाता है। यहीं पर अगर आप शिफ्ट की जो होती है आपके कीबोर्ड में, शिफ्ट की और डिलीट की दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो वो आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा, यानी वो फिर आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो नंबर एक है, यह क्वेश्चन है मेमोरी शब्द संबंध किससे है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन मतलब वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आगे इधर उधर हो सकते हैं।
तो नंबर एक है इनपुट से, नंबर बी है लॉजिक से, सी नंबर स्टोर से, डी नंबर कंट्रोल से। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टोर से जाएगा, क्योंकि मेमोरी में हम कुछ स्टोर करते हैं, मूवी सॉन्ग है ना, ऑडियो वीडियो ये सब तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल क्या है, नंबर एक कंप्यूटर की भाषा, नंबर बी हार्डवेयर, सी नंबर कंप्यूटर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पास्कल, एक प्रकार की हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कंप्यूटर की भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, पास्कल हो गया, आप लोगों को मालूम ही होगा पास्कल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये पास्कल हो गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो स्लाइड शो आपका जो होता है प्रेजेंटेशन शो करने के लिए। ठीक है, तो एक नंबर है वर्ड, बी नंबर एक्सेल, सी नंबर पावर पॉइंट, डी नंबर एक्सेस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पावर पॉइंट, जिसमें आप स्लाइड प्रेजेंटेशन ये सब तैयार करते हैं, जो कि जैसे कि आपका कोई फंक्शन हो गया या आपके कोई कुछ भी हो गया, जैसे कि जो भी फंक्शन में सब चीज़ आ जाता है, प्रोग्राम है, तो उसमें कुछ आप शो करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, आप स्लाइड बना के उसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नंबर एक है सिस्टम मैनेजमेंट पावर स्विच, बी नंबर स्विच मोड पावर सप्लाई, सी नंबर स्क्रीन मैनेजर सिस्टम, डी नंबर नन। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल स्प्रिट शीट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो नंबर एक है .sls, बी नंबर है .xlsx, सी नंबर .xld, डी नंबर .xsl। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, ठीक है .xlsx, और ये 2007 के ऊपर का वर्जन है, एमएस ऑफिस 2007 के। अगर यहीं कहीं बात होती, ठीक है, 2003 एमएस ऑफिस की, तो एक्स नहीं होता इसमें, एक्स हट जाता। ठीक है, और 2007 के ऊपर के जितने वर्जन, उसमें 7 के जितने 7 है 10 है, ठीक है, उसमें एक्स लास्ट में लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR में सी का क्या तात्पर्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्टर। MICR का में जो सी का तात्पर्य वो करेक्टर होता है, यानी कि MICR का फुल नेम क्या होता है, आई होप आप लोगों को मालूम होगा, मैंने कई बार बताया है, मैं बता दूं फिर से, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, CAD का फुल नेम जो होता है यानी कैट का, वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ट्रू, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 13 यानी कि 13 होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है हमारी F12 होती हैं, जो कि हमारी 12 होती है, इसमें 13, इसलिए फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में फीड गई सूचनाएं डेटा कहलाती हैं, जी बिल्कुल राइट आंसर इसका जो है वो है ट्रू, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो सूचनाएं उसे हम डेटा कहते हैं, क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में बदलाव करना एडिटिंग कहलाता है, जी जैसे डॉक्यूमेंट में आप कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करते हैं, कुछ उसमें डेटा आप डिलीट करते हैं, उसके बाद को सेव दूसरा एंटर करके सेव करते हैं, तो हमारी क्या कहलाएगी, एडिटिंग। राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Windows 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो भाई Windows 7 है आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, अगर आपको मालूम है तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे, मैं मुझे मालूम है, लेकिन आप लोगों के लिए ही क्वेश्चन है, अगर नहीं मालूम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस माउस को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू। आप लोग ध्यान दीजिए, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस माउस को भी कहा जाता है या माउस को भी कहते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका पहली बार नाम सुनने होंगे पॉइंट एंड ड्रा, तो माउस को हम पॉइंट एंड ड्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीजीपी का उपयोग ईमेल सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो जो पीजीपी का प्रयोग है वो हमारे ईमेल के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है आपका एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। प्रिंटर से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% श्योर है, आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा प्रिंटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ट्रू। ठीक है, अब स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट का नाम टेराबाइट क्यों हो गया, तो जो बिट बाइट केबी, ठीक है, एमबी, जीबी और टीबी, तो इतने में सबसे जो बड़ी यूनिट होती है वो टेराबाइट होती है, यानी कि टीबी। मैं इतनी की बात कर रहा हूँ कि केबी, एमबी, ठीक है, जीबी, बिट बाइट, इनसे सबसे बड़ी होती है टीबी यानी कि टेराबाइट। इससे भी ऊपर की होती हैं लेकिन जो कि आपके सिलेबस में ही इतने तक ही है, तो इसलिए कि जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है टीबी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।